नागपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते महानगर पालिका और शासन की ओर से कड़े नियम बनाए गए हैं। शहर की बढ़ती कोरोना संख्या देखते हुए शासन ने अति आवश्यक चीजों की दुकानें भी दोपहर 1 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है। शहर में लॉकडाउन के कारण बाकी सभी दुकानें 21 मार्च तक बंद रहेगी। शासन के इस निर्णय का हिंगना रोड हार्डवेयर एसोसिएशन ने विरोध किया है। आयोजित पत्र परिषद में एसोसिएशन ने मांग की है कि हार्डवेयर की दुकानें दोपहर 1 बजे शुरू रखने की अनुमति दी जाए, जिससे लोगों की समस्या कम हो। मैं रामकृष्ण गुप्ता, महामंत्री, नागपुर हार्डवेयर एसोसिएशन MIDC हिंगना। किस मांग को लेकर आज पत्र परिषद? इसलिए जब सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने सबको परमिशन दी है तो हार्डवेयर वालों को भी देना चाहिए, क्योंकि बांधकाम की जो परमिशन दी गई है वो हार्डवेयर से कनेक्टेड है। अगर किसी का मकान बन रहा है तो उसमें जो है उनको ज़रूरत है सीमेंट लोहा की, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारे दुकानदारों के साथ में हार्डवेयर MIDC हिंगना रोड, जो कि फैक्ट्री एरिया में है, ग्राम पंचायत के अंदर में है, उनको भी जो है 1 बजे तक चालू रखने की परमिशन दी जाए। कितनी दुकानें हैं उस परिसर में? उस परिसर में करीबन 50 दुकानें हैं। ऊपर है? नियर अबाउट 50 दुकानें हैं और सब छोटे मध्यम वर्ग के लोग काम करते हैं। अगर आपको परमिशन अगर नहीं मिली तो आपको क्या, अगर अभी तो परमिशन नहीं है आपको जी, नहीं दिए, तो आपके क्या अगला कदम क्या है? अगला कदम ये रहेगा कि भाई हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस विषय को लेके आप का डंडा चल रहा है, लोग स्कूटर से आते हैं तो उनको रोकते हैं, कार से आते हैं तो उनको रोकते हैं, इतना सख्ती है तो लोग जाने को तैयार नहीं। हम लोग तो किसी तरह आए, हमको भी रोका गया था रास्ते में, तो हमने बताया कि पत्रकार में हम जाने वाले हैं, तो उसने जाने दिया।